शासकीय कार्यालयों में कार्य के बदले घूस लेने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। एक बार फिर लोकायुक्त की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक पटवारी और उसके सहयोगी को 10,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़ा है। मझगवां तहसील कार्यालय में पदस्थ पटवारी दलाल के माध्यम से नामांतरण के बदले 10,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया। जिले के शासकीय कार्यालयों में कार्य के बदले रिश्वत लेने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बुधवार को लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने पटवारी कार्यालय मझगवां में पदस्थ पटवारी देवीदीन पटेल को उसके सहयोगी दलाल शारदा पटेल के साथ 10,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिया। बताया जाता है कि आवेदक जितेंद्र सिंह पटेल ने लोकायुक्त में शिकायत की थी। ग्राम जुनवानी में उनके जीजा की कृषि भूमि है। जीजा की मृत्यु के पश्चात उनकी बहन के नाम भूमि के नामांतरण का आवेदन दिया गया था। इस कार्य के लिए पटवारी देवीदीन पटेल ने 20,000 रुपये रिश्वत मांगी थी। इस शिकायत के सत्यापन के बाद लोकायुक्त टीम ने पटवारी देवीदीन और उसके सहयोगी दलाल शारदा पटेल को 10,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। आवेदक और आवेदिका दोनों ही संबंधित पटवारी से मिले। पटवारी द्वारा 20,000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई थी। फौजी नामांतरण प्रकरण तैयार करने के एवज में आज दिनांक को शिकायत सत्यापन उपरांत तहसील कार्यालय पटवारी कार्यालय मझगवां में सहारोपी शारदा पटेल इनके हाथ से रिश्वत राशि दिलवाई गई, जिन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया। लोकायुक्त द्वारा दोनों के विरुद्ध विधिवत प्रकरण दर्ज किया गया है।